पंजाब सरकार चाहे राज्य में नशा खत्म करने के लाख दावे कर रही है, लेकिन जिला तरनतारन के गांव भुलर में नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग नशा बेचने वालों का विरोध करते हैं उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती हैं और उनसे मारपीट भी की जाती है। पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कथित रूप से राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। इस संबंध में गांव भुलर निवासी सुखदेव सिंह व अन्य गाँव वासियों ने बताया कि उनके गांव में कुछ लोग सरेआम स्मैक, नशीले टीके और गोलियां बेचते हैं। इन लोगों पर पहले से केस भी दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सुखदेव सिंह ने बताया कि उनका पड़ोसी कुलदीप सिंह अपने परिवार के साथ सरेआम नशा बेचने का कारोबार करता है। इसकी शिकायत उसने सदर थाना तरन तारण की पुलिस को करने पर आरोपियों की तरफ से उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और आरोपियों ने उनके घर के बाहर हुड़दंग मचाते हुए उसके परिवार के साथ मारपीट भी की, लेकिन पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ए, मेरा नाम सुखदेव सिंह, विलेज भुलर, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण। ये गल है कि नशा ये जिहड़े आ बंदे वेचदे आ, ठीक है जी, CPM दियां जिहड़ियां हैगियां वां शीशियां नशे वालियां जिहड़ियां गोलियां बहुत वेचदे आ। पहलां ही इहनां दे परचे दर्ज हैगे आ, ठीक है जी। ते जिहड़ी असीं साडे घरे आण के बाद दे विच इह असीं इहनां नूं कहा वी तुसीं शीशियां कदे ते सुट्टदे जो, इह साडे आण के घरे गल पै गए आ, ठीक है जी। गल पै आ, उस तों बाद असीं दरखास्त जा के दित्ती आ परसों दी, 181 ते वी कीती आ 8:30 बजे दी परसों दी, अजे तक सुनवाई नहीं होई। ते अज जिहड़ी आ अज फिर ASI साहब उन्होंने घरे कि आए थे, तो वो साढ़े घर आण के उदो बाद आण के फिर आण के गल पै गए आण के साढ़े घर, गाली गलोज बहुत किया साढ़े नाल, सानू इंसाफ दवाया जाए। तो असी ASI साहब नू कीता ही, उन्होंने कहा, मैं उन्होंने कहा कि वो बुलट के पटाके मरा रहे आ, उन्होंने गाड़ियों कहा भी तेनू जेड सिक्योरिटी दे दीए, जो तेनू 4 बजे का टाइम दिता तू 4 बजे आ, पर असी 4 बजे किस तरह जा सकते हैं उत्थे, क्योंकि साढ़े घर के गाड़ी तो उन्होंने ला के खलोते से, नारा ला के एक हिसाब का खलोते ही सारे जने, साड़ी यही उन्होंने कोशिश जी वीडियो भी बनवाई हैगी। ASI साहब सरबजीत सिंह जी, सदर थाने, सानू इंसाफ चाहिए जी, जो भी कार्रवाई बनती है इंसाफ बस चाहिए। इस संबंध में थाना सदर के प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ने बताया कि गांव भुलर के सुखदेव सिंह की तरफ से पुलिस को आरोपियों द्वारा उसके परिवार के साथ मारपीट करने की शिकायत मिली है। आरोपी नशा बेचते हैं या नहीं इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद आरोपियों पर कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक कंप्लेंट आई है सुखदेव सिंह वालों भुलरा का, उन्होंने कुलदीप सिंह और बाकी परिवारक मैंबरों के खिलाफ दरखास्त दी है कि असी आपस में लड़ रहे थे, अगों तमाशा देख रहे साडा, ये टीके बेचते हैं, वो वेरीफिकेशन वास्ते ASI सरबजीत सिंह मार की दरखास्त, वो कल जाके भी आया सीगा, तो जाके दोनों पार्टियां उन्हें टाइम दिता सी अपने दरखास्त वास्ते, लेकिन कल पार्टियां हाजिर नहीं आई। तो इन मैं परसनली वेरीफाई कर लेना, जे ये कोई टीके टूकों की गल होगी तो कर भी कर देंगे। कोई गल नहीं, मैं आप परसनली इन चेक कर लेना, जे ये कोई यही गल होगी तो मुताबिक कार्रवाई कर देंगे। मैं चेक करके दस सकता, इदा मैं पता नहीं है जी। कंचन टीवी के लिए निशान सहोता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।